I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अपना चाय ले रही हूं और सामने आप लोग देखिए खिड़की से यहां कितना अच्छा नज़ारा आता है। मैं डेली यहीं पे बैठ के चाय पीती हूं और यहां से बाहर का नज़ारे जो हैं उनका आनंद लेती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। अभी तो सूर्य भगवान अच्छे से जगे भी नहीं है, अभी मतलब उगना उनका बाकी है। और देखिए इधर गाय अपना चारा खा रही हैं और मेरे खिड़की से नीचे का व्यू। अभी ये खेत है जो खाली है और आधे में देखिए लाल साग है। और देखिए कितना सुंदर लगता है, बगल में केला के पेड़ है और आसपास के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं अपना काम करूंगी। आज मुझे अपने घर की क्लीनिंग करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना बेडरूम क्लीन करूंगी। तो मैंने बेडरूम को पहले खाली करना शुरू कर दिया है, सारा सामान यहाँ से निकाल लूंगी और कमरे को बिल्कुल खाली कर लूंगी। उसके बाद हम लोग सफाई अभियान चालू करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें। तो इधर देखिए सामान खाली करते वक्त मुझे कुछ छुट्टे पैसे मिल गए थे, तो मैंने उसे गुल्लक में डाल दिया है और यहाँ से मैं सारे सामान को हटा के एकदम कमरे को बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। और ये भगवान जी की फ़ोटो है, इनको भी हटा के मैं रख दूँगी अलग कहीं और फिर यहाँ की सफाई शुरू हो जाएगी। तो आप लोग देखते रहिए मैं कैसे सफाई करती हूँ। तो आज की सफाई मेरे सर करेंगे, मेरे सर यानी कि मेरे हस्बैंड, मैं इनको शर्मा जी भी कहती हूँ। तो ये ही सफाई करेंगे, ऊपर से पूरा झाड़ के ये निकाल देंगे, झोल वगैरह जो होता है वो सब जाले, सारे जाले साफ़ कर देंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। तो ऊपर चढ़ के ये छज्जे पे सारा ऊपर से क्लीन कर देंगे और मैं नीचे का सारा काम कर लूँगी। तो इस तरह से सारे काम भी हो जाएंगे और ज़्यादा भार भीड़ भी नहीं पड़ेगा और हंसते बोलते हम लोग अपना काम भी कर लेंगे। तो ये कर रहे हैं सफाई। और ये देखिए वहाँ से जो तार गया है उस पर भी गंदगी जमी हुई थी, तो इन्होंने उसे साफ़ कर दिया है। उसके बाद ये अब नीचे कर रहे हैं और नीचे की सफाई कर रहे हैं। और यहाँ उनका काम ख़त्म हुआ और मेरा काम शुरू हो गया है। तो मैं अपने बेड की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ और साथ में दीवारों की भी, नीचे नीचे जो दीवार हैं उसकी भी सफाई कर लूँगी और अच्छे से पहले झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद हम लोग इस कमरे को ऊपर से धोएंगे, एकदम साफ करेंगे, पानी से क्लीन करेंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है तो थोड़ी गंदगी आ गई है। तो मेरा घर जो प्लास्टर हुआ था ना, कम से कम हो गए 4-5 साल हो चुके हैं। हाँ, तो 5 साल पहले जब प्लास्टर चढ़ाया गया था तभी इसमें वाइट सीमेंट किया गया था और तब से ही ऐसे ही है, इसमें पेंट नहीं हुआ है। तो थोड़ा दीवार वगैरह गंदा हो गए हैं और इसको इसलिए हम लोग अच्छे से धोएंगे। तो इधर नीचे का सब करके मैंने मशीन भी लगा दी थी कपड़े धोने के लिए, कम से कम 4-5 लॉट कपड़े हो गए थे। तो मैं साथ में करते जा रही थी इधर भी। और इधर मेरे हस्बैंड जो हैं बाहर भी क्लीनिंग कर रहे हैं और बाहर भी ये कर देंगे तो मुझे थोड़ा आराम रहेगा, क्योंकि मैं बाहर नहीं करती हूँ, मैं घर का ही काम करती हूँ। तो बाहर बाहर ये कर देंगे और अंदर का मैं सारा मैं कर लूँगी। इधर मेरा बेटा घर के अंदर की सफाई कर रहा है,
इसने पानी से पूरा अच्छे से दीवार को धोया है रगड़ रगड़ के। और ये देखिए सीढ़ियों से जब पानी गिरता है तो कितना सुंदर लगता है ना, बहुत अच्छा लगता था मुझे देखने में। मैं देख रही थी और वो ऊपर से सफाई कर रहा था। और मैंने यहाँ पे कुछ बर्तन जो थे जो डेली यूज़ के नहीं है, मैं इसमें डेली काम नहीं करती हूँ, इसका यूज नहीं करती हूँ, तो मैंने इसे क्लीन कर दिया है और सुखा लिया। इसके बाद मैं इसे रख दूँगी अलग स्टोरेज में, क्योंकि जब काम पड़ेगा तभी उतारूँगी, ऐसे इसका कोई काम नहीं रहता है। और इधर देखिए मेरा मंदिर एकदम बिल्कुल, मतलब सारे भगवान जी निकाल दिए हैं तो एकदम खाली खाली से लग रहे हैं। और नीचे मैंने कुछ रंगीन कागज मंगाए हैं यहाँ पे बिछाने के लिए, तो मैं यहाँ बिछा दूँ। और सारे काम होने के बाद मैंने अपने अलमीरा को भी साफ़ कर दिया था अच्छे से। और नीचे जो सारे सामान बिखरे पड़ रहे हैं ना, मैं सबको उनमें सेट कर दूँगी। और मैंने अपना बेडरूम और अलमीरा दोनों को दोनों की जगह चेंज की है। पहले दूसरे साइड में थे तो मैंने अलग साइड में कर दिया। और ये इस तरह से करने से ना जगह बहुत बन गया है, बहुत स्पेसियस हो गया मेरा बेडरूम। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और मिलते हैं नए वीडियो में।